हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में क्या, उसके लेक्चर के बारे में। हम उसके लेक्चर को देखेंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं कहाँ पे? इंजीनियर्स स्टडी, ENGINEERS स्टडी। देखिए, आपको पहले ही बता दें कि ये फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि उन्हीं के ये सब्जेक्ट हैं। अगर किसी का बैक लगा हुआ है या फिर किसी को लग रहा है कि उनके लिए यूज़फुल है तो ये देख सकते हैं, क्योंकि ये जो CM है, कौन सा विषय है? CM, इसको हम फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, MATERIALS, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिविल ब्रांच से, अगर आप हैं तो आपके सिविल ब्रांच से आपके जीवन से लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि आप सिविल ब्रांच से संबंधित कोई भी वर्क करते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क आता ही आता है और मटेरियल्स की यूज होता ही होता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसीलिए ये फर्स्ट ईयर में ही दिया गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे से समझना है और आगे लेके चलना है। आपको बता दें, ये जो BTEUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इसके द्वारा जो डिप्लोमा कोर्स होता है, जो डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें आप सिविल इंजीनियरिंग अगर लिए हैं उसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पाएंगे। ये सब चीज़ें आप जान ही रहे हैं। हम बात करते हैं, देखिए इस वीडियो में थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि ये पहला लेक्चर है CM के बारे में, तो हम थोड़ा सा इसमें कुछ बातें करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। आप जब भी लेक्चर लीजिए, जब भी लेक्चर देखिए, तो आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना अनिवार्य है, ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, और आप उसको अगर इग्नोर करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, ठीक है? आपके लेक्चर टाइम पे, जैसे हम ही पढ़ाते हैं तो जो कॉलेज में कॉपी बनाए हुए हैं उसमें आप उसको अलग कर दीजिए। इसमें एक तरीके का आप रिविज़न क्लास है ये, ठीक है? हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे लेकिन रिविज़न करा के करेंगे, ठीक है? तो आप जैसे जो क्लास नहीं कर पाए हैं या किसी और कॉलेज से हैं, आप किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, हम पूरा सिलेबस को कवर कराएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? जो आपके BTEUP सिलेबस में है उस सिलेबस को हम पूरा कवर कराएंगे, ठीक है? डेली एक लेक्चर आएगा CM का, डेली एक लेक्चर आएगा CM का, ठीक है? शाम को 8 बजे के आसपास आने के चांसेस हैं, डेली शाम को आपके एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे, ठीक है? और रही बात, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेक्चर को लास्ट तक देखिए, किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट आ जाए, किस टॉपिक का आपको मजबूत हो जाए, ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और उसको समझिए। कहीं कोई डाउट आ रहा है तो उसको आप पूछ लीजिए, ठीक है? अब हम बात करेंगे, ये हम डेली प्रोवाइड करेंगे, आप पहले बता दिए। और जो सिलेबस है आपका BTEUP का, जो सिलेबस है ना, SYLLABUS, जो सिलेबस है इस पे हम पूरा वर्क करेंगे, ये ध्यान दीजिए, आप पूरे सिलेबस पे वर्क करेंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए। और जो आपका एग्जाम डेट है वो जनवरी में जा सकता है, जनवरी में ही जाएगा, आप तो कंफर्म है, क्योंकि अगर दिसंबर में होता तो अब कुछ ना कुछ तो आ जाता नोटिस वगैरह, तो नोटिस कुछ नहीं आया, इसका मतलब आपका एग्जाम कब जाएगा? जनवरी में जाएगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है 1% भी, ठीक है? तो ये अब हम लेक्चर शुरू करेंगे। अब आपसे बस एक बार और बोल दें कि आप एक कॉपी, जिसको आप नोटबुक बोलते हैं, और एक पेन, जिसको आप कलम बोलते हैं, ठीक है? नोट्स और पेन के साथ आप बैठेंगे, ये ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कॉपी खरीदने के पैसे नहीं हैं, आज किसी कॉपी में लिख लीजिए, कल आप 2 समोसा मत खाइएगा, उस 2 समोसे का जो पैसा बचेगा उसका एक कॉपी पतली से खरीद लीजिए, ठीक है? जिसमें आप रिविजन कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए आपको एक कॉपी ज़रूर लेना है। ये अगर आप एक चीज़ और बता दें, आप कितना यूज़फुल है ये, अगर आप आगे BTEC करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं, या फिर JEE बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ भी कोर्स करेंगे आगे, आप कुछ भी करियर ऑप्शन चूज करेंगे, हर जगह ये आपके साथ रहेगा, ये आपके साथ छोड़ेगा ही नहीं। CM कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर आप सिविल ब्रांच से जुड़े रहेंगे तो हमेशा आपके साथ रहेगा, ये छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए आपको इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है?
आइए बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सिलेबस के बारे में, जो बीटी यूपी के सिलेबस में है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। इसमें पूरे 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं आप लोग भी नोट कर लीजिएगा सभी। अब देखिए, पढ़ाने का या फिर पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आपको पूरा पिक्चर ओवरव्यू रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मूवी आप लोग देखते हैं तो मूवी का एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है, हाँ ये मूवी इस बेस्ड है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मूवी देखना है, साइंस फिक्शन मूवी है कोई, आपको पता है ये साइंस से संबंधित है, तो आपको आपको जो माइंड में जो रिएक्शन पैदा होता है वो उस टाइप से आता है, ठीक है। इसलिए उसको चीज़ों को और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, उस मूवी को और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। इसलिए आपके माइंड में एक पिक्चर बनना चाहिए, हम सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसमें से 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे है बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग स्टोन्स मतलब कि इमारती पत्थर। अच्छा आप लोग को एक चीज और बता दें, बहुत स्ट्रिक्टली बता दे रहे हैं कि आप लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से परेशान मत होइएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से परेशान नहीं होना है। हिंदी इंग्लिश आप किस लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं उस चीज़ को समझिए। हम दोनों को यूज करेंगे, हम हिंदी को भी यूज करेंगे और इंग्लिश को भी यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बताना, इसको फिर इमारती पत्थर हिंदी में लिखना फिर इंग्लिश में लिखना, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। इसलिए इतना अंडरस्टूड है कि आपको समझ में आ रहा है बिल्डिंग स्टोन्स का मतलब इमारती पत्थर। जो टेक्निकल वर्ड हो गया उसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे। अगर बाय द वे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, बिल्डिंग स्टोन इमारती पत्थर। और जो सेकंड चैप्टर क्या है, वो सेकंड चैप्टर क्या है आपका, ब्रिक्स एंड टाइल्स, BRICKS, ब्रिक्स एंड टाइल्स। इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी आपको पहले चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, आप लोग भी इसको लिख लीजिए, सभी लोग इस चैप्टर का नाम लिखेंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक ओवरव्यू बन जाना चाहिए कि हाँ हमको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। ब्रिक्स एंड टाइल्स, ब्रिक्स कैसे बनता है, इसका क्या उपयोग है, सब चीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका सीमेंट, CEMENT। आपको बता दें कि सभी चैप्टर्स में हम ट्रिक भी पढ़ेंगे, आपके आसानी के लिए, आपको समझ में आए इसके लिए हम ट्रिक भी इन्वॉल्व किए हुए हैं, आपके लिए हम ट्रिक बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर बात कर दें स्टोन में एक ट्रिक आएगा, डोले से बीपी घटे, ऐसे यही एक ट्रिक है, इसका क्या मतलब है हम सब बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे ब्रिक्स में ट्रिक आएगा सलीम, ठीक, इन सब का क्या मतलब है सबको बताएंगे। सीमेंट का ट्रिक क्या आएगा, लॉस में है एम्स, तो सब ट्रिक बताएंगे, परेशान मत होइएगा। आपको चीज़ें इतना आसान कर देंगे आपको मज़ा आ जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर की बात करते हैं, फोर्थ नंबर है टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट। टिम्बर के बारे में, लकड़ी के बारे में, ठीक है। इसका मतलब लकड़ी, वुडन लकड़ी जो होता है, जो आपके इमारती लकड़ियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आते हैं पेंट एंड वर्निशेस, PAINTS, पेंट्स एंड वर्निशेस, VARNISHES, पेंट एंड वर्निशेस। पेंट के बारे में, जिससे आप घर की पुताई करते हैं, लकड़ी की पुताई करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसकी पेंट की बात कर रहे हैं, पेंट की बात है ये। और सिक्स नंबर पे है मेटल्स, METALS, मेटल्स। मेटल्स का मतलब है धातुएं से है, जो धातु होते हैं उनकी बात करेंगे हम, मेटल्स की बात करेंगे। सातवें पॉइंट पे है मिस्केलेनियस मटेरियल, MISCELLANEOUS, मिस्केलेनियस मटेरियल्स। विविध सामग्री, मतलब कि इनके बाद भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके बारे में हम इसमें सबको पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा आपका 7 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग स्टोन, सेकंड है ब्रिक्स एंड टाइल्स, थर्ड है सीमेंट, फोर्थ है टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट, फाइव है पेंट एंड वर्निशेस, और सिक्स है मेटल्स,
और सातवां मिसलेनियस मटेरियल्स, विविध मटेरियल्स। ठीक है, अब हम इसमें से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बिल्डिंग स्टोन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिल्डिंग स्टोन्स। ठीक है, इसको हटाइए, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब देख के पता चलेगा कि हाँ हमको कितना एग्जाम में लिखना है, कितने चैप्टर से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आप इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेके वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए पहला लेक्चर है इसलिए हम जब बहुत तेजी से नहीं चल रहे हैं, आराम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए क्लास में क्या होता है, फाउंडेशन होता है कि आप इतना क्लास ले सकते हैं या फिर इतने लेक्चर ले सकते हैं, आज छुट्टी पड़ गई, ऐसे वैसे होता है क्लास में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइम है, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, मतलब कि एक दिन में दो लेक्चर कर सकते हैं, अभी लेक्चर को लेंदी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप यहाँ परेशान मत होइए, हम चीज़ों को समझते चलेंगे और जानते हुए चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पत्थर के बारे में। पत्थर क्या होता है आपको पता है? देखिए यह एक नेचुरल पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो कई खनिजों से मिल के बनता है। ठीक है, कई खनिजों से मिल के बनता है, स्टोन्स, STONES, कई मिनरल्स से मिल के बनता है, मिनरल्स, MINERALS, कई मिनरल्स से मिल के बनता है। ठीक है, स्टोन्स उसको बोलते हैं हम, जो एक नेचुरल होता है, एक खदानों से प्राप्त होता है, ये ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, मैक्सिमम ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टोन्स नरम भी होते हैं, जैसे सर्पेंटाइन, SERPENTINE, ये एक पत्थर है, ये इसको आप चक्कू से भी काट सकते हैं, इसको आप चक्कू से भी काट सकते हैं, ये क्या है? एक पत्थर है। तो कुछ पत्थर होते हैं जो नरम है, लेकिन मैक्सिमम अधिकांश पत्थर ठोस ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे अर्थ का ऊपरी भाग है, जो हमारे अर्थ का ऊपरी भाग है, सरफेस है ये, अगर ये अर्थ है, ये जो सरफेस है, सरफेस है, अगर ये जो सरफेस है उसको बोलते हैं रॉक्स, ROCKS, रॉक्स। ठीक है, जो स्टोन सरफेस पे अवेलेबल होता है उसको हम रॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, चट्टाने। तो इन सब चीज़ों को आप समझते चलिए, धीरे धीरे हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है, जो फर्स्ट टॉपिक है, अब आपके सिलेबस पे आते हैं, आपका सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब ध्यान समझिएगा, हमको ट्रिक यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ट्रिक मिलेगा, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है, रॉक्स को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया, मतलब कि चट्टानों का वर्गीकरण, इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में चट्टानों का वर्गीकरण, इसको तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं इनकी बात कर लेते हैं हम, चट्टानों को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, GEOLOGICAL, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए स्पेलिंग क्या होता है, CLASSIFICATION, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन स्पेलिंग, हम यहाँ पर शॉर्टकट में यूज कर ले रहे हैं CLASSIFAN, क्लासिफिकेशन, इसको आप बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगर्भीय वर्गीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं भूगर्भीय वर्गीकरण, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, CHEMICAL CLASSI, क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने पेज को मतलब कि हॉरिजॉन्टल पेन में कर लीजिए और इसको ऐसे रख लीजिए, आपका कॉपी जैसे ऐसे रहता है, ऐसे कॉपी रहता है, ऐसे कॉपी रहता है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको लिखिए, ये पूरा एक पेज में आपका आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक ऊपर लिखिए, फिर नीचे लिखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। इसका भी ट्रिक है, इसका ट्रिक है, यहाँ समझिए इसका ट्रिक है। अब ट्रिक आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में चीज़ों को लिखना है, ट्रिक अपने समझने के लिए है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की अगर बात करें, आप पॉलिटेक्निक पढ़ने जाते हैं,
ठीक है। पॉलिटेक्निक में अगर आप सिविल ब्रांच लेते हैं तो ब्रांच का जो कोर्स सब्जेक्ट मिलता है वो मिलता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या है, रॉक्स है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो कहाँ आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप खूब पढ़ाई करते हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। क्या मिला है, GPC, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, GPC। जी से क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पी से फिजिकल क्लासिफिकेशन, सी से केमिकल क्लासिफिकेशन, GPC। आप ऐसे याद करिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसे आप याद करिए। ये क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, जियोलॉजिकल क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल बोलेंगे हम भूगर्भीय वर्गीकरण, इसको बोलेंगे भौतिक वर्गीकरण, इसको बोलेंगे रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब जियोलॉजिकल की बात करते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल के अभी हम इसके डिफिनेशन को बाद में देखेंगे। ठीक है, जियोलॉजिकल के बारे में जो डिफिनेशन है उसको हम बाद देखेंगे, अभी इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके हम क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, आपको ट्रिक बता दें, ट्रिक ये है, इसका ट्रिक ये है, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते। लेकिन इसके भी तीन पार्ट हैं, इसके भी तीन पार्ट हैं, ये जियोलॉजिकल का नहीं, सॉरी ये इग्नियस का, इसके तीन पार्ट ना, इनकी तीनों पार्टों का भी देख रहा है हमको, इनके तीन पार्ट हैं। इसको पार्ट वाइज कर लेते हैं पहले, स्पेस अपने पास कम है, कर लेते हैं यहाँ पे हम, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इसको यहाँ पर लेते हैं, इसको यहाँ पर लेते हैं। देखिए इसके तीन पार्ट हैं, जियोलॉजिकल के तीन पार्ट हैं, कौन कौन हैं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब कि कौन कौन से इसके तीन पार्ट, SIM। जब आपको भी एक स्टोरी बताते हैं, पहले आप स्टोरी सुन लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। जब आप पॉलिटेक्निक में, आपको कौन सा कॉलेज मिल गया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया है, तो आप नए नए कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, आप हाई स्कूल पढ़े थे, इंटर पढ़े थे, नए स्ट्रीम जा रहे हैं, घर वाले सोच रहे हमारा बच्चा अच्छे से जाए, उसका रोज हाल खबर लेते रहेंगे, डेली उससे बात करेंगे, कोई दिक्कत ना हो, करेंगे ठीक है करेंगे। तो आपके पास, आपको एक फ़ोन दे देंगे, तो आप जहाँ कॉलेज मिलेगा आप वहाँ जाके एक सिम ले लेंगे। ठीक है, तो यह जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा सिम, SIM। एस से क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है, लिख देते हैं यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री रॉक। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, हम बोल भी रहे हैं, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री रॉक। आइस क्या होगा, इग्नियस रॉक, IGNEOUS, इग्नियस रॉक। और एम से क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक, METAMORPHIC, मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या हो गया, ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तीनों पार्ट होंगे। कौन कौन से, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, सिम, एस से सेडिमेंट्री रॉक, आई से इग्नियस रॉक, एम से मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इनके भी, इनके इन्हीं की ट्रिक है अब हमारे पास। इनका इनका एग्जांपल क्या है, इनका एग्जांपल है लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ग्रेवेल, जिप्सम, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते, लेटराइट, LETERITE, लेटराइट, यहाँ पर सेल। देखिए ये कैसे बनाए, ट्रिक कैसे बनाए, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते। अब आप लोग नए नए आए हैं, कहाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, सिम मोबाइल वोबाइल ले लिए हैं, बातचीत कर रहे हैं घर पे। अब आप लोगों का एक दिन मन किया मैच खेलने का, अब मैच खेलने गए, तो मैच खेलने जाएंगे तो आपका एक दोस्त रहेगा, मान लीजिए उस दोस्त का नाम है लाइम सैंड, नाम है जो भी नाम रख लीजिए, अब इसी में से रख लीजिए लाइम सैंड। मैच, अब आपको पता है जब मैच खेलते हैं अगर कैच छूट जाती है तो मैच आप हार जाते हैं, कभी कभी एक कैच भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो उस एक कैच ही पूरे मैच पे भारी पड़ जाता है, अगर आप कैच, आपसे मिस्टेक हो गया, कैच छोड़ दिए, आप मैच हार जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब कैच आपका छूट गया तो क्या हुआ, अब आप ही लोग बताइए क्या होगा, हार जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे।
जब हार जाएंगे तो क्या करेंगे, जिससे क्या छुटा रहेगा उसके पीछे दौड़ेंगे, तुम क्यों क्या छोड़े, उसको आप डांटेंगे, उसको आप क्या करेंगे डांटेंगे। तो उसी को लेके हम यहाँ पर कर रहे हैं, किसे क्या छुटा है, लाइम सैंड कोई है, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते, मतलब तुमसे क्या छूट गया, तुम ग्रेवी जिम लेते तुम्हारा बॉडी शॉडी होता, तुम अच्छे होते, तुम ग्रेवी जिम लेते तुमसे क्या इतना छूटता, वो पत्ता दुबला था उससे क्या छूट गया। तो इसमें ट्रिक बना है लाइम सैंड ग्रेवल जिप्सम लेटराइट सेल, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते, इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके अच्छा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अभी इसको हम हटा भी देंगे आप लोग को, अभी हम इसको हटा देंगे, अभी लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते, ठीक है। ये ट्रिक है, किसका ट्रिक है, ट्रिक है सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए, ठीक, हटा रहे हैं सॉरी हटा रहे हैं इसको, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते, लाइम स्टोन सैंड स्टोन ग्रेवेल जिम लेटराइट, इसको और बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल है सेल, SHALE सेल, ठीक है। चलिए इससे हमको पता चल गया कि सेडिमेंट्री रॉक के कौन कौन से एग्जांपल है। अब आते हैं इग्नियस रॉक पे, इग्नियस रॉक, अच्छा हिंदी बता दें इसको क्या बोलते हैं, हम भूल ही जा रहे थे, सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टाने, ये अवसादी चट्टान। अच्छा अभी तो इसका डिफिनेशन लिखवाएंगे, बस आप समझ लीजिए इसको क्या क्या होते हैं, अभी आपको डिफिनेशन भी लिखवाएंगे। इग्नियस रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक को इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक। इसके क्या एग्जाम्पल हैं, डोले से बीपी घटे, अब इसको आप क्या बोले थे, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते, ये कहाँ जा रहा था, जिम लेने जा रहा था, तो आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि जिम लेने तो जा रहे हो लेकिन तुम लाइम सैंड क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या है, इग्नियस रॉक है, वो क्या करता था, जिम लेने जा रहा था, आप सजेस्ट किए थे कि तुम जिम लेने जाओ, अब वो जिम जाएगा क्या करेगा, डोला करेगा, मतलब कि डोले से बीपी घटे, तो आप उसको कहेंगे डोले सोले नहीं करना है वहाँ पे, डोला नहीं करना केवल, वहाँ पे तुम जिम करोगे जो वहाँ प्रॉपर वे में होता है उसको करना है, ठीक है। तो आप उसको क्या बताएंगे, डोले से बीपी घटे, इसका मतलब क्या, डोले से क्या हो जाएगा, डोले राइट, डोले ऊपर लिख दे रहे हैं आप, दिख नहीं रहा आपको, यहाँ लिख दे रहे हैं डोले राइट, डोले राइट, जो हिंदी वर्ड लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, से कोई मत, से का कोई मतलब नहीं है, बी से बासाल्ट, पी से पेग्नाटाइट, घटे से ग्रेनाइट, ठीक है। आप लोग हम बोल रहे हो तभी लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि जो हम लिख रहे हैं उसको बाद में देख के लिखेंगे, नहीं, हम बोल रहे हैं आप हमारे साथ साथ चलिए, डोलेराइट बासाल्ट पेग्नाटाइट ग्रेनाइट, ये क्या है, इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है, कायंत्रित चट्टाने, कायंत्रित चट्टाने, आप लोग मूवी देखे होंगे, क्रिस मूवी देखे होंगे ना, जो काया होती है वही चीज़ है, इसका भी काम वही है, मतलब कि इन दोनों चट्टानों के प्रारूप को, रूप को, संरचना को बदल जाता है तो जो बनता है उसको बोलते हैं कायंत्रित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अभी डिफिनेशन डिटेल में लिखवाएंगे लेकिन आप अभी थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए कि जो काया काम क्या रहता है, वो काया किसी भी रूप में आ जाती थी, किसी का रूप धारण कर लेती थी, तो वही काम इसका भी है। ये किसका रूप धारण करेंगे, ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक की चट्टाने हैं लेकिन अपने प्रारूप को, इसमें इन सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक का अगर रंग रूप प्रारूप संरचना स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो वो हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इसके क्या एग्जांपल है, अब आपका दोस्त क्या, दोस्त क्या कहे थे आप कि डोले से बीपी घटे, तुम डोले उले मत करना नहीं तुम्हारा बीपी घटेगा, वो कहा ठीक है। अब उससे क्या कहेंगे आप, अब उससे कहेंगे तब तक एक दोस्त आपका दोस्त गुस्सा करता है, वो आया उसको मार दिया, किसको मार दिया, लाइम सैंड को, जिसके जिससे कैच छूटा था, क्यों मार दिया, उससे कैच छूटा था। तो यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक का क्या ट्रिक हो जाएगा, स्लेट से मारे क्यों, SLATE स्लेट से मारे क्यों, स्लेट से क्या हो जाएगा, स्लेट हिंदी वाला शब्द का कोई मतलब नहीं देगा, आपको बता दिए हैं, मारे क्या होगा, मार्बल MARBLE क्यों से क्वार्टजाइट QUARTZITE क्वार्टजाइट, ठीक है, स्लेट मार्बल क्वार्टजाइट, ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है।
आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। आपको कोई दिक्कत होगा, कहीं कंफ्यूजन होगा, आप जरूर कमेंट कर लीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। अगर ये पहला क्लास है, हमको पूरा पूरा मेहनत इसमें करना है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो हम इसको फिर से क्लास ले लेंगे, ठीक है। लेकिन चीज़ों को समझना है, ये रहा। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन की, इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, हटा दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है पूरा, ठीक है। हम बात करते हैं किसका, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की। ये दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है स्ट्रेटिफाइड, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्तरीय, जिसमें लेयर दिखे, ऐसे चट्टान जिसके लेयर दिखे उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, ऐसे चट्टान जिसके लेयर्स ना दिखे उसको बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। जैसे कोई चट्टान उसको आप कट कर दिए तो उसको आपको सामने से दिखने पर अगर उसमें लेयर्स वाइज लेयर दिख रहा है, ऐसे ऐसे लेयर दिख रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। इसमें लेयर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेयर्स इसमें नहीं दिखेगा, चिपका चिपका एकदम लेयर नहीं दिखेगा, इसको बोलेंगे अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो ये आपको समझना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, अगर आपको देखना हो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आपका है स्ट्रेटिफाइड में जो भी एग्जाम्पल है, जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक वो मैक्सिमम आते हैं स्ट्रेटिफाइड में, और अनस्ट्रेटिफाइड में मैक्सिमम आते हैं इग्नियस रॉक, IGNEOUS, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में क्या, बसाल्ट है ना, बसाल्ट इसमें आता है, ठीक है, ये आपको समझना है। ये रहा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन का, रासायनिक वर्गीकरण का। केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, इसमें हमको मिलेगा क्या, तीन तरह का होता है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है SCA, क्या होता है SCA, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, यहीं से हम पकड़े हैं आपके, आपके ट्रिक बनाए हैं। एस से क्या हुआ, सिलिसियस रॉक, SILLIOUS, सिलिसियस रॉक। सी से क्या होगा, कैलकेरियस रॉक, CALCAREOUS, कैलकेरियस रॉक। और ए से क्या होगा, एलुमिना, एल्यूमिनियम रॉक, ठीक है। ए से क्या होगा आपका आर्गिल, ए से एलुमिना एग्जाम्पल में आएगा, ए से क्या होता है आर्गिलसियस रॉक, ARGILLACEOUS, आर्गिलसियस रॉक, ठीक है। अब सिलिसियस रॉक की जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट है, इसके ट्रिक नहीं बनाए हैं, ग्रेनाइट है, और आपका है सैंडस्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सैंडस्टोन है। कैलकेरियस रॉक के जो एग्जाम्पल हैं उनकी बात कर लें अगर, तो कैलकेरियस रॉक के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके आते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है उसको बोलते हैं कैलकेरियस रॉक, ठीक है। ये स्थानीय वातावरण पर निर्भर करते हैं, जो मतलब कि जहाँ के टेम्परेचर हैं, जहाँ पे हैं उनके निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है चूना पत्थर, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। अब बात करते हैं हम आर्गिलसियस रॉक की, आर्गिलसियस रॉक की मतलब इसका ट्रिक बनाए, छोटा सा ट्रिक है, आगरा से कोल लाते हैं, आगरा से कोल लाते हैं, आगरा से कोल लाते हैं, आगरा से कोल लाते। अब यहाँ पे देखिए आगरा से क्या होगा, एल्यूमिना वाला आ जाएगा, ठीक है, कोल से केओलाइन हो जाएगा, लाते से लेटराइट हो जाएगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो है, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लिग्नाइट, LIGNITE, लिग्नाइट, और यहाँ पे क्या आता है लेटराइट, इस चीज़ को ध्यान देना है, लेटराइट, LATERITE, लेटराइट, ठीक है, इसमें लेटराइट है। अब आपको एक बार पूरा पिक्चर समझ लें, ये क्या है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल में तीन पार्ट होते हैं, सिम, सिम से मतलब सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। केमिकल में तीन होते हैं, SCA, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, क्या है उसका मतलब, सिलिसियस रॉक, कैल्कुलेशियस रॉक, आर्गिलसियस रॉक, ठीक है। अब फिर आते हैं इसमें सेडिमेंट्री रॉक का जो एग्जाम्पल है उसका ट्रिक क्या है, लाइम सैंड ग्रेवी जिम लेते हैं, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ग्रेवल, जिप्सम, लिग्नाइट और सेल। इग्नियस रॉक की बात करें, डोले से BP घटे, डोलेराइट, बासाल्ट, पिग्नाटाइट और ग्रेनाइट,
मेटामॉर्फिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्लेट से मारे क्यों, स्लेट आता है, मार्बल आता है और क्वार्टजाइट आता है, ऐसे ये स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड है। सिलिशियस में क्या है, ग्रेनाइट सैंडस्टोन है, कैलक्रियस में लाइमस्टोन है और आगरा से अर्गलिशियस में क्या है, आगरा से कोल लाते, आगरा से कोल लाते। इसमें क्या होता है आपका, आगरा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है एल्यूमिना रहता है, तो आगरा बोल दिए एल्यूमिना हो जाएगा और केवलाइन और लेटराइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा इस बारे में आप बताइए। अगर आप चीज़ें समझ में नहीं आए तो फिर से आप पूछ लीजिएगा, आपको हम फिर से डिटेल में बता देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप एक रिस्पांस दीजिएगा कैसा है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, जैसा आपको समझ में आए आप बताइएगा। ठीक है, जल्दी वीडियो क्लिक करते हैं और सभी लोग वीडियो को देखिए लास्ट तक, अगर कहीं दिक्कत आ रही है आप हमसे जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी बी पॉजिटिव।